आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने ये आलू बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करके छील लिए। आलू छील के हमने हरी मिर्च कट कर ली है थोड़ी सी। अब ये आलू को हम मैश करने के दो तरीके के, एक तो कद्दूकस से कर सकते हैं हम लोग और एक हाथ से कर सकते हैं। तो हम आलू मैश करेंगे हाथ से। हाथ से मैश करके आप देखिएगा, कभी कद्दूकस के बिना हाथ से अगर मैश करेंगे तो उनका टेस्ट ही अलग आता है। इसे मैंने हाथ से आलू मैश करे हैं ये। इसमें एक भी लम्स ना रहा, क्योंकि पराठे बनाने में फिर बहुत दिक्कत आती है। और इसमें मैंने हरी मिर्च जो कट करी थी वो मिला दी है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी हींग। हींग थोड़ी सी अच्छी मात्रा में मिलाएंगे ताकि इसमें खुशबू आए। हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है, पराठे का टेस्ट भी वो हो जाता है। और इसमें हम डालेंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। इतने सारे आलू हैं तो मैं इसमें डाल दिया। अभी मैंने सेंधा नमक, फलहार वाला नमक भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, व्रत का नमक भी बोलते हैं, सेंधा नमक भी। मैं हमेशा सेंधा नमक ही यूज करती हूँ, टाटा का नमक यूज नहीं करती। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्च, ज्यादा ना डालेंगे वरना बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप जब भी आलू स्टफिंग के लिए तैयार करें तो हाथ से जरूर करें एक बार, मेरे कहने से उसका टेस्ट ही अलग होता है। कद्दूकस वाले में वो टेस्ट नहीं आता और अलग तरीके से उसमें एक लिसलिसा सा रहता है वो। ये देखिए इतनी अच्छी पट्टी, हमारे बह भी नहीं रहे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे। हाथ से हमने पिट्ठी तैयार कर ली है, खूब ढंग से इसमें सब चीजें मिक्स हो गई है। हमारी आलू की पिट्ठी बिल्कुल तैयार है स्टफिंग के लिए। अब हम आटा तैयार करते हैं, उससे हम बनाएंगे आलू के पराठे। अब हम इधर गैस ऑन कर देते हैं फ्लेम और तवा रख देते हैं ताकि गरम हो। इतनी देर में हम ये वैसे सिंगल लोई से भी बन जाते हैं और डबल लोई से भी बन जाते हैं। मुझे डबल लोई से बनाने में ज़्यादा आसान लगते हैं, सिंगल लोई से मैं नहीं बना पाती हूँ। तो आप छोटी छोटी दो गोले ले लें आटे की और इनको राउंड शेप में हमारा। अब इसमें हम स्टफिंग रखेंगे आलू की, हमारी तैयार है। स्टफिंग ज्यादा से भरेंगे क्योंकि हमारे घर से कुछ ज्यादा ज्यादा स्टफिंग पसंद है। चारों तरफ लगा दिए, अच्छे से फैला दिए और देते हैं। पराठा हमारा पिस्ता करारा बनेगा। इसको हमने इसके ऊपर से रखा कि हमारा ये हो गया। हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे कि हमारा पराठा तैयार है। हमारा तवा गर्म हो चुका है, मैं हमेशा पराठे पूरी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये सामने का निकला हुआ है स्पेलर से मस्टर्ड ऑयल और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। कंपेयर आप देखेंगे जो आजकल चल रहे हैं ऑयल बाजार के, उनके फॉर्चून वगैरह ये सारे, मैं कोई विशेष कंपनी की बुराई नहीं कर रही हूँ, वो अपना अपना मत है, लेकिन मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ और व्रत वगैरह में देशी खाने में यूज करते हैं। हमारा पराठा हो गया, हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब इसको दूसरी तरफ से भी थोड़ा सिकने देंगे, सिकने के बाद ही हम इसमें ऑयल लगाएंगे। ये पीली सरसों का तेल है, प्योर सामने से निकलवाया हुआ है हमने,
मम्मी से इसी को यूज करते हैं और घर में स्टोर करते हैं पूरे साल के लिए। पूरी पराठे सब ऐसे लगते हैं, इसे देख सकते हैं। करारा पराठा बनेगा। आप भी इसे देखिए, डबल दही का पराठा फ्राई करिए। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और ये फैटी लिवर वगैरह इन सबको सही रखता है, फैटी नहीं होने देता है। आप पूरी पराठे वगैरह सब एक बार मस्टर्ड ऑयल में बनाना शुरू कीजिए। रिफाइंड को थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि इससे नीज वगैरह में पेन होने लगता है। एज में क्या अर्ली एज में ही होने लगता है। थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे ताकि पराठा हमारा करारा हो। मस्टर्ड ऑयल अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं अवेलेबल करवा दूंगी। बिल्कुल सांधे का निकला हुआ है मस्टर्ड ऑयल। देखिए पराठा बिल्कुल, मैं बहुत हल्का हल्का लगाती हूँ, लेती नहीं हूँ ज्यादा। सारा कड़छी में जो लेती हूँ वो वापस करके बस ऐसे ही बना रहे हैं हम पराठा। देखिए हमारा पराठा कलर भी इसका अच्छा हुआ और पराठा भी बहुत करारा है, देखने से पता चल रहा होगा पराठा हमारा बहुत करारा है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आगे बढ़ाने के लिए भी मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू।